बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, रब्बी शराइती सत्ती वयस्सिरली अमरी वहलू उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम बलूचिस्तान के जिम्मेदारान, तमाम कोयटा डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान, तमाम कोयटा डिवीजन के तमाम जिम्मेदारान, तमाम कोयटा के तमाम पीएसपी के कारकुनों, जिम्मेदारों सबको अस्सलामु अलैकुम। साथियों, आज का ये जनरल वर्कर इजलास कोयटा के कारकुनों का एक ऐसे मौके पर यह इजलास है कि जिस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ मायूसी फैली हुई है, हर तरफ मायूसी फैली हुई है, तमाम पाकिस्तान बिलखसूस पूरा बलूचिस्तान हुक्मरानों से और ओपोजिशन से दोनों से मायूस है, इसलिए कि हम सुबह से शाम तक और रात गए तक ये देखते हैं कि हुकूमत सिर्फ इस काम पर लगी हुई है कि किसी तरह से अपनी हुकूमत बचाए और ओपोजिशन को चोर और डाकू कहे बस। और सुबह से शाम तक हम ये देखते हैं कि तमाम ओपोजिशन मिलकर उनकी एक ही कोशिश है कि किस तरह से इस हुकूमत को गिराएं और खुद को हुक्मरान बनाए। ना हुकूमत को आवाम की फिक्र है, ना ओपोजिशन जमातों को आवाम की फिक्र है, हुकूमत लगी हुई है हुकूमत बचाने में और ओपोजिशन लगी हुई है हुकूमत गिराने में। पाकिस्तान के लोगों का, बिलखसूस बलूचिस्तान का, सिंध का इतना तबाह हाल है, इतनी बर्बादी का हाल है कि आज आला अदालतें, आज आला अदालतें कुत्तों के काटने के ऊपर अदालतें लगाकर बैठी हैं कि वो आज कुत्तों के काटने के फैसले अदालत में डिस्कस हो रहे हैं। अब से चंद दिन पहले की बात है कि सिंध की आला अदालतों ने मजबूर होकर यह फैसला किया कि अब अगर किसी शहरी को कुत्ते ने काटा तो उसका उसकी एफआईआर उस डिस्ट्रिक्ट के डीसी के ऊपर काटी जाएगी। इससे शर्म की बात पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए और हो नहीं सकती। जो पाकिस्तान दुनिया में न्यूक्लियर पावर है, 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, वहां पर आज अदालतों में कुत्तों के काटने के मसाइल पहुंचे हुए हैं। ये हमारे मुल्क का आईना है, लेकिन क्या मुल्क का कोई वजीर आजम नहीं है? क्या मुल्क का कोई वजीर आला नहीं है? क्या मुल्क का कोई सदर नहीं है? क्या मुल्क का कोई वफाकी वजीर नहीं है? कोई सूबाई वजीर नहीं है? कोई एमएनए नहीं है? कोई एमपीए नहीं है? कोई सेनेटर नहीं है? सब मौजूद हैं, सब अपनी अपनी जगह पर तनख्वाह ले रहे हैं, मराते ले रहे हैं, अवाम के टैक्सों को पैसों से अय्याशियां कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बदकिरदार लोगों के हाथों में चला गया है। मेरे साथियों, बदकिरदार लोगों के हाथों में चला गया है और ये अल्लाह ताला का हम पर इम्तिहान है कि आज हम पाकिस्तान के इस मसाइब ज्यादा लोगों को, बलूचिस्तान के महरूम लोगों को, क्या हम इनकी अगली नस्लों को भी इनके हाथों में छोड़कर मरना चाहते हैं, या हम इन मौजूदा जुल्म के खिलाफ जहाद करके हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को अच्छा पाकिस्तान, अच्छा बलूचिस्तान देकर जाना चाहते हैं। पाक सरजमीन पार्टी 4 साल पहले 2 लोगों से शुरू होने वाली आवाज
आज मेरे रब का करम है कि ये आवाज बलोचिस्तान के पहाड़ों तक, बलोचिस्तान की एक एक वादी तक, बलोचिस्तान के शहरों तक, देहातों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुकी है। और मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान के नौजवान एक झंडे के नीचे खड़े हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से ये महरूमियां हम पूर कर देंगे। और वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगियों में ये लम्हात, ये मौके दिखाएगा। इसलिए कि हमारी जिद्दोजहद से, आपकी जिद्दोजहद से जालिम रोजाना टूटता चला जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। और आज अल्लाह ताला हमें सारे इम्तिहानात से निकालकर हमें मजबूत करता चला जा रहा है, हमें बढ़ाता चला जा रहा है। आज से चंद दिनों पहले क्वेटा में 11 जमातों का एक जलसा हुआ, उससे चंद हफ्ते पहले कराची में 18 अक्टूबर को 11 जमातों का जलसा हुआ। पूरे जलसे की कार्रवाई सुनिए, सारे रहनुमाओं की तकरीर सुनिए, किसी को आवाम की कोई फिक्र नहीं है। सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरानों को उतारो और हमें हुक्मरान बनाओ। जब मैं इन 11 पार्टीज के लीडरान को देखता हूं, इनकी पार्टी को देखता हूं, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो हुक्मरानी नहीं कर चुकी हम पर। सारी पार्टियां हम पर हुक्मरानी कर चुकी हैं। आज पीपल्स पार्टी 12 सालों से सिंध पर हुक्मरान है। कोई इनसे पूछे कि आपने अपनी हुक्मरानी के दौर में और जो लोग आज भी हुक्मरानी कर रहे हैं, आपने आवाम के लिए क्या किया, आपने कितने इदारे बनाए, आपने कितने इदारों में रिफॉर्म किया, आपने तालीम के शोबे में क्या किया और आज भी क्या कर रहे हैं, आपने सेहत के शोबे में क्या किया और आज भी क्या कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान की पुलिस के साथ क्या किया, रिफॉर्म क्या किया, इंसाफ के इदारे के साथ क्या किया, जुडिशरी के साथ क्या किया, आपने अख्तियारात और वसाइल जो कि ग्रास रूट लेवल पे आईन के आर्टिकल 140A के तहत हर गली में पहुंचना चाहिए, आपने क्या किया। अगर आप माजी देखेंगे और आप मौजूदा जो इन ऑपोजिशन जमातों में आज जो हुक्मरानी आज भी कर रहे हैं, आप अगर इनके हुक्मरानी के तरीके देखेंगे तो वो आज के पीटीआई के हुक्मरानों से कोई मुख्तलिफ नहीं है। ना हमें मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने कुछ दिया है, ना हमें माजी की हुकूमतों ने कुछ दिया है। और आज भी जो ये बातें कर रहे हैं उसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे जलसे को मैंने देखा, मैंने मरियम नवाज साहिबा की तकरीर सुनी, मैंने देखा कि वो बलूचिस्तान के मासूम नौजवान जो के लापता हैं, उनके घर वालों के साथ स्टेज पर खड़े होकर वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगा रही हैं, शेम शेम की आवाज लगा रही हैं। मुझे ये देखकर हैरत हुई। मेरे सामने वो सारे नक्शे घूम गए जो हम 4 सालों से फेस कर रहे हैं। ऐ मेरे बलूचिस्तान के साथियों, ऐ पीएसपी के कारकुनों जिम्मेदारों, और जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मरियम नवाज साहिबा ने जो लापता लोगों के घर वालों के साथ खड़े होकर शेम शेम के नारे लगाए, तो क्या ये नारे सुनकर जो लापता अफराद जिन लोगों के पास हैं, क्या उन्होंने रात में
इन नारों के बाद उनको क्या फूलों की बिस्तर फूलों के बिस्तर पे सुलाया होगा? क्या उनकी अच्छे से खातिर तवाजा खाने पीने की चीजें दी होंगी? नहीं नहीं नहीं, उनकी मुसीबतों में और इजाफा हुआ होगा। मरियम साहबा तो छेम छेम के नारे लगाकर सुबह की फ्लाइट लेकर वापस लाहौर अपने महल में वापस गई होंगी, लेकिन उन बेचारे लापता लोगों की जिंदगी में मसाइल, उनके घर वालों के मसाइल और बढ़ गए होंगे। इसी तरह से जब मैं 2016 में मैं और अनीस कायम खानी आए थे कराची, तो मेरे पास भी कराची से लापता होने वाले 550 से जायद माए मेरे पास आई, 550 से जायद लड़के नौजवान लापता थे कराची से, वो माए मेरे पास आई, उन्होंने अपनी फरियाद सुनाई, ए बलोचिस्तान के लोगों, मैंने उन माओं के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की आज तक, मैंने उन माओं को स्टेज पर खड़े होकर किसी को शेम शेम के नारे नहीं लगाए, मैंने उन माओ की एक भी तस्वीर जारी नहीं की, मैंने अलल ऐलान बड़े बड़े जलसों में और मैंने बंद दरवाजों की मीटिंग में मैंने पाकिस्तान चलाने वालों से फरियाद की, मैंने उन माओ का मुकदमा लड़ा और मैंने कहा कि देखो इनको मारने से, इनको लापता करने से अल्ताफ हुसैन का कोई नुकसान नहीं होगा, वो आपको गालियां ही इसलिए बख्शा है कि आप इनके से लोगों को मार के उसको लाशें दे दो, आप जितनी लाशें दोगे वो उतने ज्यादा उससे ज्यादा लोग बन जाएंगे और बनाएंगे और वो मजलूमियत का नारा लगाएंगे। खुदा के वास्ते इन नौजवानों को एक दफा माफ करो, मेरा ये मानना है कि इनको किसी ने गलत रास्ते की तरफ लगा दिया था, हम इनको सही रास्ते की तरफ लगाएंगे, हम इनको पाकिस्तान का एसेट बनाएंगे, हम इसको इनको पाकिस्तान का बाइज़्ज़त शहरी बनाएंगे, मुल्क का रखवाला बनाएंगे। ये अपनी माओ के पेटों से दहशतगर्द बनकर नहीं निकले थे, इस जमाने के लोगों ने इनको दहशतगर्द बनाया था। ए बलूचिस्तान के साथियों, कान खोलकर मेरी बात सुनो, मैं चाहता तो उन माओ को साथ लेकर सियासत कर सकता था, लेकिन आज तुम एक तस्वीर नहीं दिखा सकते मुझे, एक वीडियो नहीं दिखा सकते मुझे कि मैंने किसी लापता माँ बहन बेटी के जानने वालों को अपने साथ बिठाकर कोई शेम शेम के नारे लगवाए हो, इसलिए कि मुझे उन बच्चों से प्यार है, उस फैमिली से प्यार है, मुझे मुझे अपने मुल्क से भी प्यार है, मैं मसले को उलझाना नहीं चाहता, मैं मसले को सुलझाना चाहता है। और तुम्हें यह जानकर हैरत होगी और खुशी होगी कि आज पाक सरजमीन पार्टी की कोशिशों से वो जो 550 माए हमारे पास आई थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 480 माओ को, 480 माओ को उनके बच्चे उनको मिल गए, आज वो अपनी माओ अपने बहनों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे। 480 से ज्यादा लापता लोग इस तुम्हारी पीएसपी की कोशिशों की वजह से आज अपनी माओ के साथ सो रहे हैं, अपने बच्चों के साथ सो रहे हैं, अपने घर में सो रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं, इस मुल्क के अच्छे शहरी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं और इस मुल्क के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन हमने कोई एक तस्वीर भी किसी की सोशल मीडिया पे जारी नहीं की, किसी एक मां को अपने साथ नहीं बिठाया। मैं पाकिस्तान के सारे लीडरों से कहता हूं, मैं बलूचिस्तान के लापता लोगों के ऊपर जो लोग उनका मुकदमा लड़ रहे हैं,
मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, मैं उनके तरीकेकार पे एतराज करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मरियम नवाज साहिबा, आपके इस अमल से लापता लोगों की जिंदगियों में मसाइब बड़े होंगे। मैंने आपको मिसाल देकर बताई साथियों कि मैं भी ये काम कर सकता था, नहीं किया। आज मेरे पास सिर्फ 59 लोगों की लिस्ट रह गई है, 550 में से सिर्फ 59 लोग रह गए जो अब तक लापता हैं। मेरे रब ने चाह तो वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। देखो, मरियम नवाज साहिबा ने जब ये तकरीर की, मेरा दिल बैठ गया ये देखकर कि मुझे पता है कि उनकी इस तकरीर का खमियाजा उन लापता नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मासूम नौजवानों के ऊपर खुदा रा अब सियासत ना की जाए। मेरे बलूचिस्तान के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं। और फिर मरियम नवाज साहिबा के वालिद साहब, वालिद मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब, 5 साल उनकी हुक्मरानी रही, उससे पहले पीपुल्स पार्टी की हुक्मरानी रही, ये सारे नौजवान उस दौर से लापता है। ये सारे लापता लोग उस दौर से लापता है। ये सिर्फ इमरान खान की 2 साल दौर में लापता नहीं हुए, ये उस दौर से लापता है। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में सारे लापता लोगों को क्यों नहीं छुड़वा दिया? आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने दौर में सारे लापता लोगों को क्यों नहीं छुड़वा दिया? अभी शेम शेम के आप नारे लगवा रहे हैं, अपनी सियासत कर रहे हैं, आप उन्हें उस वक्त क्यों नहीं छुड़वा दिया? यकीनन नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की होगी, मुल्क के दारों ने उनको बताया होगा कि कौन कौन किस किस तरह के कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है, तो वो खामोशी से अपनी वजारत उज़्मा चलाने पर लग गए होंगे। नहीं, यही तो इन नौजवानों में और मुल्क के इदारों में आपस में बात करानी है। इनका मुकदमा किसी ने लड़ना है, हमने लड़कर दिखाया है इनका मुकदमा। हमें भी इसी तरह की बात बताई जाती थी। हमने कहा एक दफा माफ करो इन महरूमियों की वजह से, इन ज्यादतियों की वजह से लोग गलत रास्ते पे गए, किसी ने इनको वरखलाया, लेकिन एक दफा नौजवानों को माफ करो। किसी को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बलूचिस्तान में से किसी को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं मुस्तफा कमाल बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत हम्बल सी सबमिशन है, अगर बलूचिस्तान के लोग इस बात से तैयार हैं तो मुस्तफा कमाल यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मुस्तफा कमाल हर जगह ये बात करता है, बलूचिस्तान के नौजवानों की हर जगह बंद कमरे में, खुले मैदान में बात करता है। मैं ये बात आपके सामने दोबारा रख रहा हूं कि एक दफा इन नौजवानों को माफ करो, एक दफा इनको पाकिस्तानी समझकर छोड़ो, इनकी माओ के पास इनको वापस करो। अल्लाह ने चाहा हम भी समझाएंगे, इनके बुजुर्ग समझाएंगे, बलूचिस्तान के लोग समझाएं, सारी पार्टीज के लोग जो पाकिस्तानी है सब मिलकर समझाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे। एक दफा रियासत माँ जैसी होती है, अपने दिल को बड़ा करके माँ इन सब लोगों को गले लगाए, माफ करे। लेकिन ये मैं सियासतदानों से कहता हूं कि खुदारा इन नौजवानों के ऊपर, लापता लोगों के ऊपर खुदारा अपनी पॉइंट स्कोरिंग ना करें, अपने स्कोर सेटल ना करें, खुदारा इनकी जिंदगियों से ना खेले, ये बात फिर कहीं और चली जाएगी। तो मैं आज पाक सरजमीन पार्टी के बिहाफ पर, मैं रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारों से, मैं हुक्मरान पाकिस्तान से, और इवन के मैं सारी सियासी जमातों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि खुदारा इस मसले पर, इस लापता लोगों के मसाइल पर, और मैं मीडिया से ये गुजारिश करता हूं, इस लापता लोगों के मसाइल पर हमें पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहना एक तो बंद कर देना चाहिए, और हमें इन 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 लोगों को भी बुरा भला, जो लापता है उनको भी बुरा भला कहना बंद कर देना चाहिए। हमें दरमियान में पढ़कर इदारों के और इनके दरमियान हमें एक ऐसे पुल का रोल प्ले करना चाहिए ताकि जहां पर बात सुलझे,
बात मजीद उलझे नहीं, हमें आपस में जोड़ने की बात करनी चाहिए। आप खड़े होकर सिरेदारों को बुरा भला कहेंगे, उनसे ये लापता लोग बाजियाब नहीं होंगे, नहीं आएंगे, माओ से उनके बच्चे नहीं मिलेंगे। हमें मुश्किल काम करना है, हमें समझाना है, हमें इदारों की भी बात सुननी है, हमें इन मासूम माओ की भी बात सुननी है, और हमें अपनी सियासत से बालातर होकर इन माओ के बच्चों को वापस लेकर आना है। पाक सरजमीन पार्टी कहीं पर भी किसी से भी किसी भी शख्स पर इन मसाइल पर इस चीजों पर बात करने के लिए तैयार है। बोलो साथियों, तैयार हो मेरी बात से एग्री करते हो? बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो। तो मेरी बात जहां जहां जा रही है पूरे पूरे बलूचिस्तान में, मेरी ये बात पहुंचाओ कि ये तरीके कार ना अपनाए, सियासत ना करें इसके ऊपर, ये तरीके कार ना अपनाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इन तमाम ऑपोजिशन की जमातों से कि खुदारा आप भी इमरान खान वाली गलती ना करें कि इमरान खान ने अपनी हुक्मरानी आने के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन की जमातों को अपने दिमाग के अंदर बसा लिया है कि बस उसने उसको तबाह करना है, बंद करना है। आप भी सिर्फ इमरान खान को अपने दिमाग में ना बसा लें, खुदारा लोगों के लिए कोई पैकेज की बात करें। आपके जलसों का उन्वान ये होना चाहिए कि वो आइंदा जब आपके पास हुक्मरानी आए तो आप लोगों की फलाह के लिए क्या करेंगे। आप आज कहते हैं कि हमारा इलेक्शन चोरी हो जाता है, आप सारी पार्टीज मिलकर इस पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर क्यों नहीं बात करते कि आओ हम ऐसा कानून बनाते हैं, हम ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म करते हैं कि कल को कोई भी आकर हमारा इलेक्शन ना चुरा सके। आप में से कोई भी ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप एक तरफ से हुक्मरानों को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ से सबने अपनी अपनी सेटिंग के लिए पिछले दरवाजों को खोल रखा है, सब अपनी अपनी सेटिंगों में लगे हुए हैं। जिसकी जिसकी सेटिंग होती चली जाएगी वो इस बस से उतरता चला जाएगा। खुदारा खुदारा लोगों की रिफॉर्म एक दफा इस पाकिस्तान में सब मिलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म कर दो, ताकि पाकिस्तान के आम आदमी जो वोटर है, वोटर 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 का यह एतमाद आ जाए कि वो जो वोट डालेगा उसका वोट कोई चोरी नहीं कर सकता। ये तो आप तो जमहूरी ताकतें हो, आपको ये पहल करनी चाहिए। मैं आज तक ये सुनने से कासिर रहा कि कोई भी आदमी ये वाली बात करता हो, कोई भी पार्टी वाली बात नहीं कर रही, कोई भी इख्तियारात और वसाइल को ग्रास रूट लेवल पे लाने की बात नहीं कर रहे, कोई भी एजुकेशन रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, कोई भी हेल्थ रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे। आज के अखबार में छपा हुआ है 12 लाख बच्चे सूबह बलोचिस्तान में जिनको स्कूलों में होना था स्कूलों से बाहर है। 80% बजट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है 80% एजुकेशन का बजट खा लिया जाता है। इतने पैसे लगा दिए गए, गबन कर लिए गए कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर ये पैसे लग जाते तो सारे स्कूल 5-स्टार होटल की तरह बन जाते हैं। गजब खुदा का, सिर्फ पीटीआई की हुकूमत नहीं रही है 70 सालों में, आप सब लोगों की हुकूमत रही है। खुदारा आवाम का कुछ सोचे। पाक सरजमीन पार्टी हर उस पार्टी के साथ खड़ी होगी जो आवाम की बात करेगी, जो रिफॉर्म की बात करेगी, जो इख्तियारात और वसाइल को वजीर आजम हाउस से निकालकर, वजीर आला हाउस से निकालकर, वजीरों के ऑफिस से निकालकर मेरी गलियों में लेकर आएगी, कोयटा की गलियों में लेकर आएगी, बलोचिस्तान की गलियों में लेकर आएगी, बलोचिस्तान के पहाड़ों में लेकर आएगी, बलोचिस्तान के गोठों में लेकर आएगी, बलोचिस्तान के शहरों में लेकर आएगी। जो भी पार्टी या हुकूमत इख्तियारात और वसाइल को वजीर आजम वजीर आला हाउस से निकालकर पाकिस्तान की गलियों में बलूचिस्तान की गलियों में लेकर आएंगे, एक गली वाले को हुक्मरान बनाएंगे उसकी गली के मसाइल के ऊपर, पाक सरजमीन पार्टी और मुस्तफा कमाल अनकंडीशनल सपोर्ट के साथ उसके साथ खड़ा होगा। और अगर कोई ये नहीं करेगा तो पीएसपी और उसके कारकुनान इंशाअल्लाह ताला ये करके दिखाएंगे साथियों, इंशाअल्लाह ताला।
साथियों आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस 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 शानदार वर्कर इजलास के करने पे, कोयटा डिस्ट्रिक्ट कोयटा डिवीजन के वर्कर्स के ऊपर ये शानदार इजलास करने पे मैं तमाम जिम्मेदारों का नाम लिए बगैर, चाहे वो सूबाई जिम्मेदार हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हो, चाहे वो डिवीजन के जिम्मेदार हो, और जितने भी कारकुनान हैं जो इसमें शरीक हुए हैं, जो इसमें जिन्होंने मेहनत की है, जो खुद शरीक हुए हैं अपने अपने इलाकों से कारकुनान को लेकर आए, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसी तरह से काफिला बढ़ता रहेगा। एक दिन इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में ऐसा वक्त आएगा कि बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, कश्मीर से लेकर कश्मीर तक, कराची से लेकर खैबर तक, हर जगह पाक सरजमीन पार्टी का परचम लहराएगा। और जब हर जगह पाक सरजमीन पार्टी का परचम लहराएगा, पाक सरजमीन पार्टी जीतेगी, तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शों पे इंशाअल्लाह ताला आवाम के मसाइल हल के हवाले से नंबर वन शहर होगा इंशाअल्लाह ताला, दुनिया को लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप खुश रहे, आबाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, PSP जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जुल्फिकार की तरह डटो तो हुसैन के इनकार की तरह। बिल्कुल मेरे भाई और दोस्तों, हम वो कारे खैर की लहर हैं कि हमारे आगे चट्टाने तो बहुत आनी हैं, पर हमने लड़ना अली के जुल्फिकार की तरह है और डटना हुसैन के इनकार की तरह है। चट्टानों को रेजा रेजा करके अपने आप को साहिल तक पहुंचाना है। हम अपने इजलास में मास्टर कॉलोनी यूनिट सदर लाल मेंगल और नायब सदर इब्राहिम कशानी साहब का तहे दिल से शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ इजलास में शिरकत फरमाई। थैंक यू। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, जिस इंतजार में हम सब आए हैं वो शख्सियत कुछ देर में ही आपसे टेलीफोनिक खिताब फरमाएंगे, तो इंतजार करूंगा। वतन को कुछ नहीं खतरा, निजाम जर है खतरे में, हकीकत में जो रहजन है वही रहबर है खतरे में। मेरे साथियों, अब कुछ ही देर में आपसे वो अजीम शख्सियत खताब करने वाले हैं जिसके लिए इस मुल्क की आवाम उसकी खुशी उस शख्स का मकसद है। उसकी सोच देखो तो कायदे मिलत वाली, ख्वाब देखो तो शायरे मशरिक वाला, जिसके सीने में सद्दाम हुसैन वाला ईमान है। जुर्रत आपकी ऐसी कि खुदा के बाद किसी का डर नहीं। आप हमारी मां और बेटियों का सहारा है, मजलूमों का अलम बरदार है, जिसका कौल कमाल है, जिसके इरादे कमाल हैं, जिसका मकसद कमाल है, जिसका ख्वाब कमाल है, जिसका ईमान कमाल है, जिसका वकार कमाल है, जिसकी गैरत कमाल, मुस्तफा कमाल साहब। नारे 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 कमाल, नारे 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 कमाल, नारे 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 कमाल, और पुरजोश नारे 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 कमाल। आज अपनी गैरत दिखा दें कि जो बलूचिस्तान की आवाम के साथ अच्छा है, बलूचिस्तान उसी बंदे को अपना सरबरा मानती है। नारे 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 कमाल।
नारायण 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 कमाल, कमाल ही कमाल है। और जोश के साथ कमाल ही कमाल है।